मरने के बाद आफ्टर डेथ, गुरु कृपा से यह पुस्तक लिखी थी। यह भारत की सच्चाई को व्यक्त करती है। भारत में पुरस्कार मिलेगा मरने के बाद, गोष्ठी होगी मरने के बाद। भारत में खबर छपेगी मरने के बाद, पुलिस आएगी मरने के बाद। भारत में जांच होगी मरने के बाद, कार्रवाई होगी मरने के बाद। भारत में सब कुछ होगा मरने के बाद, फिर जीते जी क्या मिलेगा, केवल तिरस्कार। भक्ति करो भूखे मरो, सेवा करो भूखे मरो। मरने के बाद पुस्तक छपेगी, गोष्ठी होगी, चर्चा होगी, प्रशंसा होगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। क्यों झूठा दिखावा करते हो, पागल बनाते हो, मौज उड़ाते हो, चाय समोसा खाते हो, स्वयं को कभी बताते हो? आज भूखा साहित्यकार, भूखा पत्रकार, भूखा चित्रकार, भूखा मूर्तिकार, भूखा संगीतकार, भूखा कलाकार, बेरोजगारी। समस्या पर विचार करो, ठोस समाधान करो। साहित्यकारों ने लिखना छोड़ दिया है, कवियों ने कविता लिखनी छोड़ दी है। लिखने से कुछ नहीं मिलता है, घर कैसे चलाएं, रोटी कैसे खाएं, हमारे बारे में कोई विचार नहीं करता है। कोई देश के लिए कार्य नहीं कर रहा है। कितने वर्षों से नई खोज नहीं हुई है। जातिवाद का जहर फैल रहा है। जीवन लक्ष्य पैसा हो गया है। भारत का पतन हो गया है। शिक्षा का पतन हो गया है। शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते हैं। जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना हो गया है। साहित्य में पैसा नहीं है, केवल त्याग है। साहित्य एवं मानवता की भावना समाप्त सी हो गई है। अब भारत में मानवता मर गई है। अब अधर्म अन्याय अत्याचार रह गया है। राम भरोसे गाड़ी चल रही है, राम नाम पर गाड़ी चल रही है। भारत का राम ही मालिक है, ईश्वर ही मालिक है। अब विचार करने की आवश्यकता है, ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। साहित्य सभ्य समाज का निर्माण करता है। भारत सरकार को समस्या पर विचार कर समाधान करना होगा, पहल करनी होगी, परिवर्तन करना होगा।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं। भारत का उत्थान हो। जय भारत।